हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.5, क्लास एट्थ एक्सरसाइज 2.5। देखो क्या है एक्सरसाइज 2.5 में, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन से। आपको इक्वेशन दी हुई, इसको सॉल्व करेंगे और फिर उसके बाद क्या करेंगे, जो भी हमारे पास आंसर आएगा उसको हम चेक करेंगे कि ये सेटिस्फाई करता है या नहीं करता। देखते हैं क्या है, x बाई टू माइनस 1/5 इज इक्वल टू x बाई 3 प्लस 1/4। आपके पास ये गिवन है इक्वेशन। अब देखो जो x के टर्म्स है, वेरिएबल्स के टर्म्स है, उसको एक साइड रखेंगे और कॉन्स्टेंट टर्म्स को अपोजिट साइड लेके जाएंगे। तो हमारे पास कौन, यहाँ पे वेरिएबल क्या है, x, x को एक इधर लेके आएंगे, x बाई टू इधर है, इसी इधर था, इधर से इधर लेके आएंगे, प्लस था माइनस हो जाएगा x बाई 3 इज इक्वल टू 1/4 इधर ही है, 1/5 को इधर उठा के लेके आएंगे, माइनस था तो क्या हो जाएगा, प्लस 1/5। अब दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा हमारे पास, 3 का और 2 का 6, 2 3 जा 6 3x आ जाएगा, 3 2 जा 6 2 की और x की 2x आ जाएगा, इज इक्वल टू 4 5 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 20, 4 5 जा 20, 5 1 जा 5 आ गया और 5 4 जा 24 आ गया हमारे पास। 3x में से 2x जाएगा, x बाई 6 इज इक्वल टू 5 प्लस 4 9/20। अब x को इधर रख लेंगे, डिवाइड में 6 था इधर लेके आएंगे, मल्टीप्लाई में आ जाएगा 6, कैंसिल कर देंगे, 2 3 जा 6, 2 10 जा 20। ऊपर क्या आया हमारे पास, ऊपर जो हमारे पास डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से करते और न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से, न्यूमरेटर में क्या है 9 और 3, 9 3 जा 27 डिवाइडेड बाई 10, ये हमारे पास आया, x की वैल्यू आई 27/10। अब हम इसको चेक करेंगे कि ये सेटिस्फाई करता है या नहीं। अब देखो यहाँ पे क्या, x बाई 2, x हमारे पास क्या आया 27/10, x बाई 2, x की जगह हमने 27/10 लिखा, 10 2 जा 20 हो गया, माइनस 1/5 इज इक्वल टू x बाई 3, 27/10 और मल्टीप्लाई में बाई में 3 है हमारे पास, प्लस 1/4, 3 से कैंसिल कर दिया, 3 9 जा 27 क्या आया 9/10, 20 और 5 का एलसीएम क्या आएगा 20, 20 का एज इट इज आ जाएगा तो 27, 5 4 जा 4 1 जा 4 इज इक्वल टू 9/10 है, 10 और 4 का एलसीएम क्या आएगा 20, 10 2 जा 20, 2 9 जा 18, प्लस 4 5 जा 25, 1 जा 5, 27 माइनस 4 क्या आएगा 23/20 इज इक्वल टू 18 प्लस 5 23/20। ये हमारे पास है, दोनों साइड लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल हैं, तो क्या बोल देंगे कि सेटिस्फाई करता है इसको। नेक्स्ट है n बाई 2 माइनस 3n/4 प्लस 5n/6 इज इक्वल टू 21। आपको दे रखा है पहले से ही, जो वेरिएबल है वो एक साइड है और कांस्टेंट अपोजिट साइड है। वेरिएबल की इक्वेशन ये है हमारे पास 2, 4, 6, तीनों का एलसीएम क्या आएगा 12 आएगा, 2, 6 जा 12, 6 की और n की मल्टीप्लाई 6n, माइनस 4, 3 जा 12, 3, 3 जा 9n, प्लस 6, 2 जा 12, 2, 5 जा 10n इज इक्वल टू में क्या 21, 10 प्लस 6 16, 16 में से 9 माइनस कर दें क्या आएगा 7n/12 इज इक्वल टू 21, n इज इक्वल टू 21 इधर है। अब जो डिवाइड में 12 था वो इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा और जो ऊपर मल्टीप्लाई में था वो इधर डिवाइड में आएगा, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 3 की और 12 की मल्टीप्लाई क्या आ जाएगी 36, n की वैल्यू हमारे पास क्या आई 36। अब हम इसी वैल्यू को क्या करके देखेंगे, चेक करके देखेंगे कि क्या ये कंडीशन को सेटिस्फाई करती है या नहीं। n by 2 minus 3n/4 plus 5n/6 is equal to 21, n की वैल्यू 36 है, 36/2 minus 3 multiply n की जगह 36/4 plus 5 as it is, n की जगह 36/6, 2 से कैंसिल कर देंगे क्या आएगा 18, 4 से 4 9 जा और 6 से 6 6 जा, यहाँ से क्या आएगा 18 minus 9 3 जा 27 plus 6 5 जा 30 is equal to 21। अब 18 प्लस 30 क्या आ जाएगा 48, 48 में से 27 को माइनस करेंगे क्या आएगा 21, अपोजिट में भी क्या है 21, दोनों साइड इक्वल हो गई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, सोल्व x प्लस 7 माइनस 8x/3 इज इक्वल टू 17/6 माइनस 5x/2। सभी टर्म्स को एक साइड करेंगे, जो वेरिएबल्स हैं उनको एक साइड और अदर टर्म को अपोजिट साइड अरेंज करेंगे। x एज इट इज़ है, ये इधर था माइनस इधर आ गया, प्लस का हो गया और ये भी एज इट इज़ इक्वल टू
17 बाई 6 एज इट इज, ये हमारे पास प्लस 7 है, इधर आएगा माइनस 7, डिवाइड में क्या लिख लिया 1, यहाँ से 1, 2, 3, तीनों कैल्शियम क्या आएगा 6, 1, 6 जा 6, 6 की और x की 6x, 2, 3 जा 3, 5 जा 15x, 3, 2 जा 2, 8 जा 16x इज इक्वल टू, एलसीएम क्या आएगा 6, 6 की और 6 की 1 आ जाएगा, 1 की और 17 की 17, माइनस 1, 6 जा 7, 6 जा 42, 6 प्लस 15 21, 20 में 1 में से 16 जाएगा 5x बाई 6 इज इक्वल टू 42 में से 17 माइनस करेंगे क्या आएगा माइनस 25 बाई 6, एक्स इज इक्वल टू माइनस 25 बाई 6 मल्टीप्लाई 5 बाई 6 को इधर लेके आएंगे 6 बाई 5 आ जाएगा, 6 से 6 कैंसिल, 5 से 5, 5 जा 25, माइनस 5 आ गई x की वैल्यू। अब हम x की वैल्यू को चेक करेंगे, x प्लस 7 ये आपको इक्वेशन दी हुई थी, x की जगह क्या रखेंगे माइनस 5 प्लस 7 माइनस 8x की जगह माइनस 5 बाई 3 इज इक्वल टू 17 बाई 6, माइनस 5 इंटू माइनस 5 बाई 2, 7 में से 5 जाएगा 2 प्लस 8, 5 जा 40, माइनस माइनस प्लस हो गया और बाई 3 इज इक्वल टू 17 बाई 6, माइनस माइनस प्लस 5, 5 जा 25 बाई 2, एलसीएम ना हमारे पास क्या आ जाएगा 3, 1 से 3, 3, 2 जा 6 प्लस 40, 40 प्लस 6 से 46 बाई 3, इधर क्या आएगा 6 और 2 एलसीएम क्या आया 6, 17 एज इट इज़, 2, 3 जा 3 की और 25 की मल्टीप्लाई 75 आ जाएगा, 75 प्लस 17 92 बाई 6, फिर 2 से कैंसिल कर देंगे, 2, 3 जा 2 से 46 पे, ये भी क्या आ जाएगा 46 बाई 3, दोनों साइड इक्वल आ गई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, x माइनस 5 बाई 3 इज इक्वल टू x माइनस 3 बाई 5, ये इक्वेशन दी है, जो हमारे पास यहाँ डिनोमिनेटर में उधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर डिवाइड वाला इधर आके मल्टीप्लाई होगा, देखो हमारे पास यहाँ क्या है x माइनस 5, इधर डिवाइड था 5, इधर आएगा मल्टीप्लाई में आ गया, इज इक्वल टू x माइनस 3, इधर 3 डिवाइड था, इधर जाएगा मल्टीप्लाई हो गया 5 की और x की 5x, माइनस एज इट इज 5, 5 जा 25 इज इक्वल टू 3 की और x की 3x, माइनस 3, 3 जा 9, 5x माइनस, अब 3x इधर प्लस है, इधर लेके आए माइनस 3x इज इक्वल टू माइनस 9 और प्लस 25 आ जाएगा, 5x में से 3x हटाएंगे 2x इज इक्वल टू 25 माइनस 9 16, x इज इक्वल टू 16 बाई 2, 2 से कैंसिल कर देंगे किस पे जाएगा 8 पे, x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 8। अब चेक करेंगे x माइनस 5 बाई 3 इज इक्वल टू x माइनस 3 बाई 5, x की जगह क्या रखेंगे 8 माइनस 5 बाई 3, 8 में से 5 जाएगा 3 बाई 3, और उधर क्या है x माइनस 3 है 8 माइनस 3 बाई 5, 8 में से 3 जाएगा 5, 5 बाई 5 कैंसिल हो गया, ये भी क्या आया 1, 1। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, 3t माइनस 2 बाई 4 माइनस 2t प्लस 3 बाई 3 इज इक्वल टू 2 बाई 3 माइनस टी, पहले हमारे पास क्या है माइनस टी है, इसको भी इधर लेके आएंगे प्लस हो जाएगा 3t माइनस 2 बाई 4 माइनस 2t प्लस 3 बाई 3 प्लस टी बाई 1 इज इक्वल टू में क्या रहेगा 2 बाई 3, अब 4, 3 और 1 का एलसीएम क्या आया 12 आया, 4, 3 जा 3 की और इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 3 की मल्टीप्लाई कर दिया 3t माइनस 2 से, माइनस 3, 4 जा 4 की और इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 4 से मल्टीप्लाई कर दिया 2t प्लस 3 की, प्लस 1 से करेंगे 12, 12 की और टी की 12t इज इक्वल टू 2 बाई 3, 3, 3 जा 90 माइनस 3, 2 जा 6 माइनस 4, 2 जा 80 माइनस 4, 3 जा 12 प्लस 12t इज इक्वल टू 2 बाई 3, इधर डिवाइड था इधर आएगा मल्टीप्लाई में आया 3, 1 जा 3, 3, 4 जा 12, अब इधर से क्या आया 9 माइनस 8 कितना आएगा 1, 1 और 12 13t और 12 और माइनस 6 माइनस 18 इज इक्वल टू 4, 2 जा 8, 18 को इधर लेके आएंगे 18 प्लस 8 हो जाएगा 13t इज इक्वल टू 26, टी इज इक्वल टू 26 डिवाइडेड बाई 13, 13 से कैंसिल करेंगे 2 पे आ जाएगा, टी की वैल्यू हमारे पास क्या आई 2। अब हम इसको पुट करके प्रूव करके दिखाएंगे कि हाँ ये सेटिस्फाई करता है, टू चेक 3t माइनस 2 बाई 4 माइनस 2t प्लस 3 बाई 3 इज इक्वल टू 2 बाई 3 माइनस टी,
थ्री टी की जगह टू पुट करेंगे, थ्री मल्टीप्लाई टू माइनस टू बाई फोर, माइनस टू टी की जगह टू पुट कर दिया, प्लस थ्री बाई थ्री इज इक्वल टू टू बाई थ्री, माइनस टी की जगह टू बाई वन लिख दिया। थ्री टू जा सिक्स, सिक्स में से टू जाएगा फोर, फोर बाई फोर, माइनस टू टू जा फोर, फोर प्लस थ्री सेवन, सेवन बाई थ्री इज इक्वल टू दोनों का एलसीएम क्या आएगा, थ्री आ जाएगा। टू हमारे पास एज इट इज, थ्री की और टू की, थ्री टू जा सिक्स, अब टू माइनस सिक्स क्या आएगा, माइनस फोर बाई थ्री, इधर से थ्री माइनस सेवन है, सेवन में से थ्री घटा देंगे, माइनस फोर बाई थ्री, दोनों हमारे पास इक्वल है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सिक्स, एम माइनस वन बाई टू इज इक्वल टू वन माइनस एम माइनस टू बाई थ्री। अब बाई में इसके क्या लगाया हमने, वन लगा दिया, एम बाई वन माइनस एम माइनस वन बाई वन, ये इधर माइनस है पूरा का पूरा, इसको इधर लेके आए प्लस हो गया, एम माइनस टू बाई थ्री इज इक्वल टू वन, वन टू थ्री एलसीएम क्या आया सिक्स, वन सिक्स जा सिक्स, सिक्स की और एम की मल्टीप्लाई सिक्स एम, माइनस टू थ्री जा थ्री की और एम माइनस वन की मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस थ्री टू जा टू की और एम माइनस टू की मल्टीप्लाई इज इक्वल टू वन, सिक्स एम माइनस थ्री एम, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और थ्री वन जा थ्री, प्लस टू एम प्लस माइनस माइनस टू टू जा फोर इज इक्वल टू, अब इधर सिक्स डिवाइड में था इधर लेके आए सिक्स, मल्टीप्लाई हो गया वन मल्टीप्लाई सिक्स आ जाएगा। सिक्स एम माइनस थ्री एम क्या आएगा, थ्री एम, थ्री एम प्लस टू एम फाइव एम, माइनस फोर में से थ्री घटाया वन बचेगा इज इक्वल टू सिक्स, वन जा सिक्स, फाइव एम इज इक्वल टू सिक्स, माइनस को इधर लेके आए प्लस हो गया, सिक्स प्लस वन सेवन, एम इज इक्वल टू सेवन और इधर से डिवाइड में आएगा सेवन बाई फाइव। टू चेक, अब हम चेक करेंगे कि ये इसको सेटिस्फाई करता है नहीं, एम की जगह पे हमें क्या पुट करना है सेवन बाई फाइव, उसके लिए हम क्या करेंगे पहले एलसीएम ले लेंगे एक बार, ठीक है, सिंप्लीफाई करके तब करेंगे इसको हम पुट, एम बाई वन माइनस एम माइनस वन बाई टू इज इक्वल टू में वन माइनस एम माइनस टू बाई थ्री, इधर एलसीएम लिया टू क्या आ जाएगा, टू से मल्टीप्लाई हो जाएगा टू एम माइनस एम और माइनस माइनस प्लस वन इज इक्वल टू, इधर थ्री ले लेंगे एलसीएम, थ्री वन जा थ्री माइनस एम माइनस माइनस प्लस टू आ जाएगा, टू एम में से एम जाएगा एम प्लस वन बाई टू इज इक्वल टू माइनस एम है थ्री और टू फाइव, फाइव माइनस एम बाई थ्री, अब हमारे पास क्या आया एम प्लस वन बाई टू इज इक्वल टू फाइव माइनस एम बाई थ्री, इस थ्री को इधर ले आएंगे टू को इधर ले जाएंगे क्या आ जाएगा, थ्री को इधर लेके आएंगे क्या आएगा थ्री एम और थ्री बन जा प्लस थ्री इज इक्वल टू टू फाइव जा टेन और टू बन जा टू माइनस टू एम, फिर एम की वैल्यू है हमारे पास सेवन बाई फाइव, थ्री मल्टीप्लाई एम की जगह पुट करेंगे सेवन बाई फाइव प्लस थ्री इज इक्वल टू टेन माइनस टू मल्टीप्लाई सेवन बाई फाइव, अब थ्री सेवन जा ट्वेंटी वन बाई फाइव प्लस थ्री इज इक्वल टू टेन माइनस टू सेवन जा फोर्टीन बाई फाइव, एलसीएम क्या आया फाइव आ गया दोनों साइड, यहाँ से ट्वेंटी वन एज इट इज़ फाइव थ्री जा फिफ्टीन, ट्वेंटी वन प्लस फिफ्टीन क्या आ जाएगा थर्टी सिक्स बाई फाइव, इसी तरह एलसीएम फाइव आ गया, फाइव की और टेन की मल्टीप्लाई फिफ्टी माइनस फोर्टीन, फिफ्टी में से फोर्टीन जाएगा क्या आएगा थर्टी सिक्स बाई फाइव, दोनों हमारे पास इक्वल हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेवन, थ्री इंटू टी माइनस थ्री इज इक्वल टू फाइव टू टी प्लस वन, ये इक्वेशन दे रखी है, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे पहले थ्री टी माइनस थ्री थ्री जा नाइन इज इक्वल टू फाइव टू जा टेन टी फाइव वन जा प्लस फाइव, अब थ्री टी को इधर रखा प्लस टेन है इसको इधर लेके आए माइनस टेन टी इज इक्वल टू फाइव प्लस नाइन, इधर से टेन में से थ्री जाएगा माइनस सेवन टी इज इक्वल टू नाइन प्लस फाइव फोर्टीन, टी इज इक्वल टू माइनस फोर्टीन, सेवन को लेके गए डिवाइड में आ जाएगा सेवन टू जा फोर्टीन, टी की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस टू, अब हम टी को चेक करेंगे थ्री टी की जगह माइनस टू माइनस थ्री इज इक्वल टू फाइव टू और टी की जगह माइनस टू प्लस वन, थ्री और टू माइनस फाइव, माइनस फाइव की और थ्री की मल्टीप्लाई माइनस फिफ्टीन, इसी तरह टू टू जा माइनस फोर प्लस वन, माइनस फोर है प्लस वन माइनस थ्री आ जाएगा, फाइव और माइनस थ्री की मल्टीप्लाई माइनस फिफ्टीन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर एट, सॉल्व 15 वाई माइनस फोर माइनस टू वाई माइनस नाइन प्लस फाइव वाई प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो, सिंपली अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे हम 15 की और y की 15 वाई माइनस 15 फोर जा 60, फिर आगे माइनस है 2 की और y की 2y और माइनस माइनस प्लस 2 9 जा
18 प्लस 5 की और y की 5y प्लस 5 6 जा 30 इज इक्वल टू 0। 15 2 और 5 15 प्लस 5 20 20 में से 2 जाएगा 18y। 60 18 30 ये हमारे पास है 13 प्लस 18 48 और 60 में से 48 माइनस करेंगे क्या आएगा माइनस 12 इज इक्वल टू 0। इधर 18y इज इक्वल टू 12 y इज इक्वल टू 12 बाई 18 क्या आ जाएगा 6 2 जा 12 6 3 जा 18 y की वैल्यू हमारे पास क्या आई 2 बाई 3। अब हम इसको अप्लाई करेंगे चेक करेंगे 15y माइनस 4 माइनस 2y माइनस 9 प्लस 5y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। 15 एज इट इज़ y की वैल्यू 2 बाई 3 माइनस 4 माइनस 2 2 बाई 3 माइनस 9 इसको अप्लाई कर दिया। उसके बाद एलसीएम लेंगे हम 15 को बाहर रखा एलसीएम 3 आ जाएगा 2 माइनस 4 3 जहाँ 12 माइनस इधर 2 को बाहर रखा एलसीएम 3 2 माइनस 3 3 9 जहाँ 27 प्लस 5 एज इट इज़ 3 एलसीएम आ जाएगा हमारे पास है 2 एज इट इज 3 6 जा 18। अब देखो 3 से कैंसिल कर देंगे 3 5 जा 15 5 आ गया और 2 माइनस 12 क्या आएगा माइनस 10 माइनस 2 मल्टीप्लाई 2 माइनस 27 माइनस 25 बाई 3 प्लस 18 प्लस 10 2 20 25 जा 100 बाई 3 इज इक्वल टू 0। एलसीएम हम कैसे लेंगे 10 की और 5 की मल्टीप्लाई माइनस 50 माइनस माइनस प्लस 2 की और 25 की मल्टीप्लाई 15 और दोनों की बाई में 3 एलसीएम क्या ले लिया हमने 3 तो क्या आ जाएगा यहाँ से 50 प्लस 100 50 प्लस 100 150 बाई 3 3 से कैंसिल कर देंगे 50 पे हो जाएगा माइनस 50 प्लस 50 ये कैंसिल होके क्या आया 0। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 3 5z माइनस 7 माइनस 2 9z माइनस 11 इज इक्वल टू 4 8z माइनस 13 माइनस 17 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 3 5 जा 15z 3 7 जा माइनस 21 माइनस 2 9 जा माइनस 18z माइनस माइनस प्लस 2 की और 11 की 22 इज इक्वल टू 4 8 जा 32z माइनस 4 और 13 की 52 माइनस 17। अब जेड के टर्म्स को एक साइड करेंगे यहाँ से क्या आया 15 माइनस 18 क्या आएगा माइनस 3z प्लस 22 में से 21 जाएगा 1 इज इक्वल टू 32z माइनस दोनों को प्लस करेंगे 69। अब 32 को इधर लेके आएंगे माइनस 3z माइनस 32z इज इक्वल टू माइनस 69 माइनस 1 माइनस 35z इज इक्वल टू प्लस करेंगे माइनस 70 माइनस से माइनस कैंसिल जेड इज इक्वल टू 70 बाई 35 कैंसिल कर देंगे 2 जेड की वैल्यू क्या आई 2। ये आपको खुद ट्राई करके देखना है कि सेटिस्फाई करता है या नहीं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 सोल्व 0.25 ब्रैकेट 4f माइनस 3 इज इक्वल टू 0.05 10f माइनस 9 इसको हम प्रूव करेंगे 0.25 की और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे 25 4 जा 100 और 2 है हमारे पास डिजिट तो 2 के बाद पॉइंट लगाया f माइनस 25 3 जा 75 2 से आगे हमने पॉइंट लगाया इज इक्वल टू 5 की और 10 की 10 5 जा 50 2 से आगे हमने पॉइंट लगा दिया f माइनस 9 5 जा 45 2 से आगे पॉइंट। अब 1f माइनस इसको इधर लेके आएंगे माइनस हो जाएगा 0.50f इज इक्वल टू अब इधर क्या रहेगा माइनस 0.45 ये माइनस से इधर आएगा प्लस हो जाएगा 0.75 वन में से 0.50 घटाएंगे तो क्या आएगा 0.50f इज इक्वल टू इसमें से ये माइनस करेंगे क्या आएगा 0.30f इज इक्वल टू 0.30 बाई 0.50 अब पॉइंट से पॉइंट हमने कैंसिल कर दिया क्या आया 30 बाई 50 0 से 0 कैंसिल f की वैल्यू क्या आई 3 बाई 5। इसी तरह इस वैल्यू को भी हम रिप्लेस करके देखते हैं तो दोनों क्या आ जाएंगे इक्वल। ये थी हमारी एक्सरसाइज 2.5। ओके थैंक यू।